फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल पेरिस वर्ल्ड एंड टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है पुलकित गोयल और इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और इसी के साथ साथ सबसे आगे हिंदुस्तानी के ऊपर ही ये एक टॉपिक मैं आपको एक जो सी अभी अभी न्यूज़ निकल के आई है US से इंडियन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो न्यूज़ आई है US से इंडियन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। यहाँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पेरिस वर्ल्ड, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करना इस बिल्कुल फ्री, दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरे फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैंने क्यों कहा कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, ये कुछ अच्छे सेंस में नहीं कहा है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है हम इंडियंस को, ये एक बैड सेंस में कह रहा हूँ कि हम जहाँ भी चले जाएँ, चाहे बुरा काम हो हम तब भी आगे ही रहते हैं। और पिछले दो दिन पहले ही अभी US से एक बैड न्यूज़ निकल के आई है कि US ने 129 इंडियन स्टूडेंट्स को डिटेन कर दिया है इमिग्रेशन फ्रॉड के ब्लेम लगाते हुए कि उन्होंने इमिग्रेशन के रिगार्डिंग फ्रॉड किया है US में रहते हुए। अब जो ये पूरा सिलसिला था वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ, हुआ क्या, कैसे एक ट्रैप बिछाया गया और कैसे ये स्टूडेंट्स फंसे और कितने इनमें से कौन सी स्टेट के हैं मैक्सिमम, और क्या ये सारे इंडियंस हैं कि और भी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर अब आगे जो उनसी होने वाली है इंक्वायरी, तो उनमें कौन कौन से नेशनलिटी के स्टूडेंट्स निकल के आएंगे, सिर्फ इंडियंस ही रहेंगे या और भी। पहले तो ये सिलसिला शुरू हुआ 2017 फेब में। होमलैंड सिक्योरिटी US ने एक ट्रैप बिछाया, एक फेक यूनिवर्सिटी बनाई, एक फेक यूनिवर्सिटी बनाई गई यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन के नेम से, उसकी अपना वेबसाइट भी क्रिएट की गई, सारा कुछ उसका क्रिएट किया गया, ऑनलाइन ही किया गया जो भी किया गया, और उस यूनिवर्सिटी के पेज पे ये डाला गया कि आप इजीली ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी करते करते आप US में स्टे कर सकते हैं। और अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ, जो से वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स या कहीं से भी स्टूडेंट्स जाते हैं मास्टर्स के लिए, 2 साल की उनकी मास्टर्स होती है, मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उनको पहले 1 साल की OPT मिलती है जिसमें वो वर्क करते हैं, OPT फिर 1 साल के बाद 24 मंथ्स की और मिल जाती है यानी कि 2 साल की, और टोटल 3 साल की OPT मिलती है 2 साल की मास्टर्स करने के बाद। और ये 2 साल की मास्टर और 3 साल की OPT करने के बाद आपको US छोड़ना पड़ता है या किसी और लीगल वे से अपने आप को स्टे करना होता है, वीज़ा लेकर अपना स्टे एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको US छोड़ना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कहीं करते हैं H1B वीज़ा अप्लाई, जिनका नहीं होता है वो तो रह जाते हैं, जिनका हो जाता है उनको H1B वीज़ा मिल जाता है, उनको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है US के अंदर रहते हुए रहने का। और जिनका नहीं हो पाता है वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि दोबारा मास्टर्स के लिए जाते हैं, दोबारा मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं। और यही इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए होमलैंड सिक्योरिटी ने एक ट्रैप बिछाया, एक यूनिवर्सिटी क्रिएट की ऑनलाइन, वहाँ पर सबको डाला कि इतने इसका सारा जो भी होगा ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, वहाँ पर सब डिटेल मेंशन थी कि आपको क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ेगी, जबकि ऐसा ये साफ पता लग रहा था कि ये साफ फ्रॉड है, ये कुछ भी लीगल नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तब भी हम इंडियंस जो से हमारे स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। अब एडमिशन लेने का क्या सीन था वो मैं आपको बताता हूँ। एडमिशन के रिगार्डिंग इन्होंने 8 रिक्रूटर्स को अरेस्ट किया है US होमलैंड सिक्योरिटी ने, 8 रिक्रूटर्स को भी अरेस्ट में लिया है, जिन्होंने इन सब जो से थे इनकी एडमिशन करवाई इंडियन स्टूडेंट्स की, इनको बताया कि ऐसे ऐसे आप यहाँ पर जाके एडमिशन ले सकते हो। तो पहले तो ये कड़ी शुरू हुई ये 8 लोगों से जिन्होंने एडमिशन दिलवाई इन स्टूडेंट्स को, और फिर जाके ये स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली ऑनलाइन फिल करते हुए। इनको पता था कि ये सब एक फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जबकि ये US में रह रहे हैं, इनको इतना अवेयर होना चाहिए कि आप
एक डेवलप्ड नेशन में रह रहे हो पिछले इतने सालों से और आपको पता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये इलीगल है, तब भी आप वहां पर फीस दे के आप एडमिशन ले रहे हो, जो कि एक गलत बात हुई आप अपने आप में ही, तब ये सीन तो होना ही था। और ये ट्रैप सारा 2017 फेब से मैंने आपको बताया होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा ही, ऐसी जबकि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, इन्होंने ट्रैप बिछाया हुआ था। इनके जो से होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं वही इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, वो एक तरह से एक जैसे फैकल्टी का रोल निभा रहे थे कि हाँ भाई हम आपकी आपको एडमिशन करा देंगे, कोई भी चक्कर नहीं आएगा। जब इन स्टूडेंट्स को साफ साफ पता था कि ये यूनिवर्सिटी इलीगल है, तभी ये नहीं माने, इन्होंने एडमिशन ली और आज के डेट में ये बैठे हैं जेल के अंदर। 130 अरेस्ट हुए हैं स्टूडेंट्स के, जिनमें से 129 स्टूडेंट्स इंडियंस हैं और 8 रिक्रूटर्स हैं वो अलग से अरेस्ट हुए हैं। तो 129 स्टूडेंट्स अभी तक इंडियंस जैसे इंडियन स्टूडेंट जो यूएस में पढ़ रहे हैं उनको अरेस्ट किया गया है, उनको डिटेन किया जाएगा। अब थोड़ी देर बाद एक अब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, और काफ़ी के ट्रैकर्स लगा दिए उन्होंने, ठीक है, उनको बैटरीज भी मिल चुकी हैं, उनको बार बार चेंज करनी पड़ेगी, ट्रैकर लगा के रखना पड़ेगा। उनको स्पेशली ऑर्डर्स दे दिए हैं यूएस होमलैंड सिक्योरिटी ने कि आप यूएस नहीं छोड़ सकते उनकी मर्जी के बिना, तो उनको वहाँ पर अरेस्ट में भी रखा गया है और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। और ये जो सा पे एंड स्टे का ऑप्शन था, अब इनके लिए बहुत भारी पड़ गया है। इसकी जो सी फीस थी, जहाँ तक मुझे सुनने में आया, वो थी $10,000। तो एक साफ सा पता लग रहा था कि इतनी कम फीस में अगर कुछ भी चल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है स्टडी करने के लिए पार्ट टाइम, अगर जैसे ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये इलीगल इलीगली होता है कि आपको मास्टर्स दोबारा करना सेकेंड टाइम करना इलीगल है यूएस में, ये लीगल वे में भी किया जा सकता है, बट उसके लिए एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो सी हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आप अपने इमिग्रेशन लॉयर स्पेशली यूएस में तो बहुत हैं, तो आप उनसे सलाह ले सकते थे। बट इंडियन स्टूडेंट्स ने क्या देखा कि पैसे बच रहे हैं, इजिली जाके इन्होंने किया कि हाँ भाई चलिए आप पैसे बच रहे हैं, आगे हमें स्टे मिल जाएगा, इन्होंने इलीगल स्टेप लिया और आज के टाइम में ये जेल में बैठे हैं, यूएस ने अरेस्ट कर लिया इन्हें। और ये नंबर बढ़ के अभी अभी तो 130 तक ही गया है, अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगी ये नंबर 600 स्टूडेंट्स तक जा सकता है, और जिसमें मोस्टली इंडियंस एंड चाइनीज होंगे। अभी तक के जो उनसे 129 स्टूडेंट्स की हम बात करें, इंडियन स्टूडेंट्स की, तो ये मोस्टली है साउथ की तरफ से, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से, ये दो स्टेट से अपने इंडियन स्टूडेंट्स जो से हम मेनली अभी डिटेन किए हैं, अरेस्ट किए हैं यूएस होमलैंड सिक्योरिटी ने अभी जितने भी। तो एक पूरा इनका ग्रुप चल रहा था कि हाँ अभी कैसे रिक्रूट करना था, पूरे इन्होंने जाल बिछाया और जाल में अभी ये कुछ अपने इंडियन स्टूडेंट्स जो से हैं इन्होंने नाम रोशन किया है इंडियंस का वहाँ पर रहते हुए। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि अब जो से भी नेक्स्ट स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बैड इम्पेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि जब वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ऑब्वियसली कि अभी जो सा एक इतना बड़ा स्कैम, अभी तक का मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा स्कैम होगा यूएस के रिगार्डिंग, इंडियंस इकट्ठे इंडियंस के द्वारा किया गया कि हाँ अभी इमिग्रेशन फ्रॉड किया गया इतने बड़े लेवल पे। और जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, मैंने आपको बताया है कि 600 बंदों तक इसकी जो सी है आ सकती है, स्टूडेंट्स तक इसकी इम्पेक्ट पड़ सकता है, 600 स्टूडेंट्स तक को डिटेन किया जा सकता है इस सिस्टम के अंदर। और ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के ऊपर ही नहीं, काफ़ी और यूनिवर्सिटी के ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन लगा दी है, चालू हो चुकी है यूएस होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा, आइस के द्वारा। तो अब देखो कि क्या बनता है, पहले तो अब इनका ही, क्योंकि अब इनमें से काफ़ी लोगों ने लॉयर्स भी हायर कर लिए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ फ्रॉड है इसमें, हमें ये था कि हम लीगली रहेंगे, बट साफ पता था, सब कुछ मेंशन था उसकी वेबसाइट पे कि आपको कोई क्लासेस नहीं अटेंड करनी होगी। ये सबसे बड़ा उसी टाइम इनको पता लग जाता है कि ये एक इलीगल है यूनिवर्सिटी, कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको क्लासेस ना अटेंड करनी हो यूएस में, या पे एक लीगल वे में अगर आप ये देखते, इन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर ली जो सी थी ही नहीं, जो सी एक ट्रैप बिछाया गया था उसके अंदर ये फंस गए, जबकि इनके पास एक अच्छा ऑप्शन था कि
कि अगर ये यूएस में रह रहे हैं तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दोबारा मास्टर्स के लिए अप्लाई करते तो आज इनको ये नौबत ना देखनी पड़ती, और काफ़ी लोग करते भी हैं, बट ये कुछ जो से थे इन्होंने स्पेशली आगे आके इंडियंस का नाम रोशन किया है, आगे आके इंडियन स्टूडेंट्स की जो सी इमेज बनी थी उसको आके बहुत ही ज़्यादा आगे लेके गए हैं, ख़राब किया है, ठीक है, एक तरीके से मैं अगर बता दूंगा आपको। तो देखो अब आगे आके क्या बनता है, 600 तक अभी जाएगी तब पता लगेगा कि कितने कौन से हैं। जब ये तो सुनने में आया है कि थोड़े बीच में चाइनीज़ भी हैं, इंडियन और चाइनीज़ भाई भाई मिलके अगले कर रहे हैं कुछ ना कुछ वहाँ पर बैठे हुए, तो बाकी अब देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा आगे अपनी वीडियोज़ में। तो ऐसी मेरी एक रिक्वेस्ट ही है बस कि आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें उसकी फुल डिटेल लें, पूछें, देखें, इंटरनेट पर आजकल सारा कुछ है यार, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए जो उनसे यूएस रह रहे हैं, किसी ने कनाडा की यूनिवर्सिटी में लेना, क्योंकि ये अब जैसे एक ट्रैप यूएस में बिछाया है तो ये तो कोई भी कंट्री आपके साथ कर सकती है यार, कि अगर आप किसी भी फेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आप ईजिली इन ट्रैप्स में फंस सकते हो। तो थोड़ा अवेयर हो जाएं, एक जेन्युइन यूनिवर्सिटी या जेन्युइन कॉलेज में ये एडमिशन ले जहाँ पर आपको सारा कुछ लीगली मिले, ये नहीं कि आप कुछ इजी पाने के चक्कर में आप सब कुछ इलीगली करते जाएं और एट द एंड ऑफ द डे आप इस जैसे ट्रैप में फंस के अरेस्ट हो जाएं और अपनी लाइफ सारी स्पॉइल कर लें। अब ये जो उनसे आएंगे इनके ऊपर अब बैन तो लग ही गया है, यूएस बैन लगा के ही छोड़ेगा जितने भी इन्होंने अरेस्ट किए हैं, ये अब बैन के बिना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि साफ पता था कि ये लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इनको भी पता था कि ये लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं यूएस में रहते हुए, इमिग्रेशन फ्रॉड कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें, अपना पूरी डिटेल लेके ही यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन लें, अगर एक्सटेंड करवाना है तो पूरी डिटेल लें, इमिग्रेशन लॉयर्स को कंसल्ट कीजिए, हर कंट्री में इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, इंडिया में है, यूएस में है, कनाडा में है, हर कंट्री में आपको एक अच्छे इमिग्रेशन लॉयर्स ईजिली मिल जाएंगे, उनसे कंसल्ट कीजिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन है जाने के और क्या क्या आपके ऑप्शन हैं स्टे बैक करने में आफ्टर योर स्टडीज़ एंड वर्क, राइट, कि आप कैसे ईजिली स्टे बैक कर सकते हैं अच्छी तरह एक लीगल वे में। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं अब नेक्स्ट इनके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आता है, कितने लोग आगे आते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।